The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। जर्मनी में नौकरी दिलाने के नाम पर केरल से मेरठ बुलाए गए दो परिवार को बदमाशों ने नशीला खाना खिलाकर ठग लिया। बदमाश इतने शातिर थे कि उन्होंने पीड़ितों के मोबाइल ऐप से करीब 93,000 रुपये ट्रांसफर कर लिए। बेसुध लोगों को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बीते दिवस ही अनिल नामक युवक ने मेरठ आबुलेन स्थित होटल राजमहल में ये कमरे बुक कराए थे। पुलिस ने छानबीन तेज कर दी है। कई टीमें बदमाशों की धरपकड़ के लिए लगा दी गई हैं। एसपी सिटी का कहना है कि अभी तक होटल स्टाफ की भूमिका संदिग्ध नहीं हो पाई है, यद्यपि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकेगा। इस बारे में एसपी सिटी पीयूष सिंह ने मीडिया को यह जानकारी दी। प्रतिष्ठित होटल का पता चला है कि वहाँ पर कुछ लोगों से, बाहर के लोगों से ठगी की गई है, केरला के बताए जा रहे हैं। क्या पूरा? हाँ, ये प्रकरण एक संज्ञान में आया है। ये थाना सदर बाजार क्षेत्र का मामला है। थाना सदर बाजार क्षेत्र अंतर्गत राजमहल होटल पड़ता है। वहाँ पर एक अनिल नाम के व्यक्ति के द्वारा 3 रूम बुक कराए गए थे कल, और इसमें केरला की 2 फैमिली आई थी। ये लोग वहाँ पर रुके हुए थे। इन लोगों को खाने में कुछ नशीली चीज़ें खिला दी गई थी, जिसके बाद ये लोग लगभग अनकॉन्शियस हो गए। उसमें एक परिवार के फ़ोन को लेके, उसका पासपोर्ट लेके, फ़ोन पे ऐप के माध्यम से 93,000 रुपये ट्रांसफ़र करने की बात प्रकाश में आई है। इस संबंध में थाना सदर बाजार पुलिस और साइबर सेल द्वारा जाँच की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। सर, क्या कुछ इसमें होटल स्टाफ की भी मिलीभगत सामने आई है? अब इस संबंध में जाँच की जा रही है। अगर कोई ऐसी चीज़ आती है तो उस पर कार्रवाई होगी। इसमें जो ये जो लोग थे, ये जो पैसे ये जो आए थे जिन्होंने बुक कराया था, ये कह रहे हैं कि बाहर विदेश में जर्मनी भेजने के नाम। हाँ, इनको जो बुलाया गया था वो एक एल्विश नाम के तथाकथित व्यक्ति के द्वारा बुलाया गया था, और इनसे ये कहा गया था कि आपको जर्मनी के जो वीज़ा और कुछ पेपर पे साइन करने के लिए मेरठ आना होगा, ऐसा पीड़ित पक्ष का कहना है। सर, जैसे कि प्रतिष्ठित होटल है और बाहर से खाना नहीं आ सकता और खाने में जहर दिया गया है, नशीला पदार्थ दिया, तो कहीं ना कहीं संदिग्ध भूमिका नजर आती है ना होटल? देखिए, आप लोग जानबूझ के बार बार मुझसे होटल पे कमेंट मांगना चाह रहे हैं। मैं अभी होटल की भूमिका और उसके रोल पे किसी तरह के कमेंट नहीं करूँगा। ये सब चीज़ें इंक्वायरी का विषय है। अभी के लिए इतना ही। हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट बाइट टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर।